हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी आयशा अतीक। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है सनातन धर्म शॉर्ट रिएक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर रिएक्शन वीडियो, फर्स्ट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है महाभारत की, जिसमें एक दिलचस्प पात्र है गांधारी की, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी चाहती थी कि उसके 100 बेटे हों और वो उनके पति धृतराष्ट्र जैसे शक्तिशाली हो। ऋषि व्यास ने उन्हें ये असाधारण वरदान दिया और गांधारी गर्भवती हो गई। लेकिन 2 साल बाद कुछ अनोखा हुआ। गांधारी ने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। यहाँ से कहानी और भी रुचिकार होती है। ऋषि व्यास, जो अपने गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में बांट लिया। फिर हर एक हिस्से को अलग अलग बर्तन में रख दिया, जो एक रहस्यमय द्रव्य से भरा हुआ था। 9 महीने इंतजार करने के बाद एक अद्भुत घटना घटी। दुर्योधन पहले बर्तन से जन्मा, उसके बाद बाकी के 99 बेटे और एक बेटी एक साथ बाकी बर्तनों से जन्मे। कुछ रिसर्च का कहना है कि ये प्राचीन कहानी क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब बेबीज जैसे उन्नत विज्ञान की समझ को दर्शाता है, जो कि महाभारत के समय में थी। अगर आप भी मानते हैं प्राचीन भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, तो कमेंट में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में इवन दो हमें अलग अलग प्रकार के भगवान के रूप देखने को मिलते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवत गीता के चैप्टर 10 में मेंशन किया गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने सब कुछ बनाया है, सभी प्राणियों का बीच में हूँ, सभी प्राणियों के दिल में बसता हूँ। मैं विष्णु, मैं सूर्य, मैं चंद्र, मैं सामवेद, मैं इंद्र, मैं मस्तिष्क, मैं ही चेतना हूँ, मैं शंकर, मैं कुबेर, मैं अग्नि, मैं मेरु, मैं बृहस्पति, मैं कार्तिकेय, मैं महासागर, मैं भृगु ऋषि, मैं ओम, मैं हिमालय, मैं पीपल का पेड़, मैं कामधेनु, मैं कामदेव, मैं वरुण, मैं यमराज, मैं पवन हूँ, राम हूँ, गंगा हूँ, मैं अंतहीन समय, मैं ब्रह्मा। और सिर्फ गीता में ही नहीं दोस्तों, बल्कि मोनोथीज्म का हमें मेंशन देखने को मिलता है ऋग्वेद मंडल 1 श्लोक 46 में भी। जो एक है ऋषि, उसे अनेक नाम से बुलाते हैं, अग्नि, यम, इंद्र, वरुण। यजुर्वेद के चैप्टर 32 को देख, लिखा है कि वह अग्नि है, आदित्य है यानी सूर्य, वह वायु, चंद्रमा, जल है, उसके जैसा कोई नहीं, महान है उसका नाम, वह सभी प्राणियों में बसा हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था, उस परमात्मा से सभी लोग उत्पन्न हुए। जब हम समुद्र में सुरक्षा की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के जो चिन्ह है एम्बलम, उस पे लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणा, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करे, जो वेदों से दिया गया है। तो दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी
नौसेना पे लिखा है जलश्चैव जया। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम के अलावा किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं। कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, पार्वती के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, और राम भक्तों में भी दो तीन कैटेगरी हैं। राम के भक्त तुलसीदास भी हैं और राम के भक्त कबीर भी हैं। अच्छा, हमको शिकार यह है, ये भैया ऐसा तोड़ फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं जो कृष्ण को मानेंगे, अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पायम जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द को डरता हूं, दुल्हिन गाओ मंगल चार हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। So that's it for our today's reaction video. Hope so you like it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So यार वो सेकेंड वीडियो थी क्लोनिंग वाली, अगर वाकई ही प्राचीन भारत में इतनी नॉलेज थी तो फिर वो अभी कहाँ है। लाइक क्लोनिंग की टेक्निक उन्होंने कोई ना कोई बुक कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना कहीं कोई टेक्निक होगी। लाइक लोग आज के टाइम पे इस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, जो कि अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी कोई ऐसा तरीका नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन फिर भी अगर है तो फिर वो कहाँ है। इतना नॉलेज प्राचीन भारत में था तो वो सब कहाँ है। एक मेरा ना ये बड़ा माइंड में आ रहा था। और एक और वीडियो थी जिसमें बोल रहे थे कि ना कुछ लोग किसी गॉड के भक्त हैं, कोई किसी के भक्त हैं, और सारे आपस में कोई कहता है हम इसके हैं कम उसके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये सारे गॉड जो हैं वो जो शिवा हैं सबसे बड़े जो हैं उनके ही ना रूप हैं, जो इंसान की भलाई के लिए जब ज़रूरत पड़ी है तब तक आए हैं। और बस यही है कि हिंदू लोग उनको पूछते हैं, सबको पूछते हैं, क्योंकि सभी ने अच्छे काम किए हैं। अब जाहिर सी बात है वो गॉड के रूप थे तो वो अच्छे ही काम करेंगे। और द लास्ट थिंग, वो जो लास्ट वाली वीडियो थी, लाइक मैंने खुद ये चीज़ देखी है, पर्सनली देखा है कि जो लोग अपनी बेटियों को बीवियों को बहनों को अच्छे से रखते हैं, खुश रखते हैं ना, तो लाइक वो बहुत कामयाब होते हैं, उनके घर रहमत आती है, निर्मत बढ़ जाती है, और वो बहुत ही खुशहाल घर होता है। जैसे हिंदुओं में होता है ना कि मतलब बेटी को या बीवी को लक्ष्मी मानते हैं, सो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। चलो हिंदू में तो ना मुँह से बोलते हैं कि भाई बीवी लक्ष्मी है बेटी लक्ष्मी है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं बोलते हैं, बस कहते हैं रहमत है। लेकिन स्टिल हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी बेटियों को फिर भी नहीं पसंद किया जाता, नाक मुँह बन रहे होते हैं अगर बेटी पैदा हो जाए। लेकिन खैर आजकल के दौर में बेटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं, थोड़ी सी सोच चेंज हो रही है जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब कहते हैं कि लाइक बेटियाँ लक्ष्मी हैं। सो That's it for our today's reaction video. Hope so you like it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Milenge aapse phir nayi video mein, tab tak ke liye Allah Hafiz.